In previous video, we have already studied about the Rutherford model. And we knew that Rutherford in his model described the existence of nucleus in atom. But still, he had some drawbacks in his model. So, good morning student. Today we will study about the drawbacks of Rutherford model. So, let's start with the first drawback. Inability to explain the stability of atom. Rutherford अपने मॉडल के अंदर एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी एबल नहीं हो पाया. इसका रीजन क्या था? लेट्स सी. एक्चुअली हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने पढ़ा है कि किस तरह से कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो हमें पता है कि जो एटम है उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों सराउंड द न्यूक्लियस जब वो रिवॉल्यूशन करता है तो उस समय क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल हैं तो न्यूक्लियस के फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो वो साथ में अपनी एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करेगा और अगर वो अपनी एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करता है तो उसका ऑर्बिट क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो नेचुरल है कि उसका जो ऑर्बिट हमने बताया जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है धीरे धीरे वो छोटा होता चला जाएगा या उस ऑर्बिट की रेडियस कम होती चली जाएगी. क्या होगा देखते हैं. देखिए जैसे हमने कहा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है. अब हम ये कह रहे हैं कि जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये एनर्जी को इमिट भी करेगा रेडिएशन की फॉर्म में. ठीक है. एनर्जी इसमें बाहर निकल रही है और इस इमिशन की वजह से इसका रिवॉल्यूशन जो है ये हर राउंड में थोड़ा थोड़ा छोटा होता चला जाएगा. फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाना चाहिए लेकिन वी नो दैट इट डज नॉट हैपन. ऐसा होता नहीं है. इसका मतलब एटम स्टेबल है. तो ये इस एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं होता कि वो स्टेबल है. ठीक है. कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए लेकिन वो न्यूक्लियस में गिरता नहीं है. ठीक है. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया. दूसरा है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट. हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा है कि जब हम किसी जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेता हूं. अगर हाइड्रोजन को हम किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर देते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करने के बाद आप जब इसके अंदर हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं तो हमें पता है यहाँ से कुछ लाइंस कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं और उन्हें अगर हम किसी स्प्लिट की हेल्प से प्रिज्म में से पास करें तो प्रिज्म में से पास करने पर वो स्प्लिट हो जाती हैं और एक फोटोग्राफिक प्लेट पर एक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है. तो इस लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं कि अलग अलग एटम्स के लिए ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं वो अलग क्यों होते हैं डिफरेंट क्यों होते हैं. तो इस चीज को एक्सप्लेन करने में भी उसकी इनएबिलिटी थी. इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स. ओके. तो ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ. तीसरा है इनएबिलिटी टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. रदरफोर्ड ने ये तो अपने मॉडल में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्यूशन करता है. ठीक है. लेकिन वो केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात थी. लेकिन अगर मान लीजिए कोई मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है जिसमें विच हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स तो उन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या होगा. ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा. जैसे आज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है तो उस समय वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए. जैसे आज हमें पता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इट वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड इन हिज मॉडल. ओके. So these were some drawbacks of Rutherford model. अब इन drawbacks को दूर करने के लिए एक scientist थे जिनका नाम था Bohr. तो Bohr ने एक नया model दिया जिसमें इन drawbacks को ध्यान में रखा गया और एक improved model हमारे सामने पेश किया. इसके बारे में हम next video के अंदर देखेंगे.